तो जनाब ये जो कैसा है नसीबा है, इसमें जो आपको पोस्टर के ऊपर चार अलग अलग रूप में एक खूबसूरत हसीना नजर आ रही है, ये कोई और नहीं, ये वो लड़की है जिसको आपने देखा कैसा है नसीबा में। ठीक है, ये तो घिसी पिटी मोहब्बत है, मैं कैसा है नसीबा बोल रही हूँ। इश्किया में, खुद परस्त में, और वो एक पल में। और अब आप इस खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को देखेंगे। अब आई डोंट नो कि इसका जो कैरेक्टर है वो बचकाना है या बड़ा मचौर वाला है, वो तो जब ये आएगी तो बताएगी। अब आप देखेंगे आज से घिसी पिटी मोहब्बत में रात 8 बजे ARY डिजिटल पे। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड और बहुत ही प्यारी मासूम सी शक्ल वाली, वो कौन से वाले नैनो वाली, पता नहीं कौन से वाले नैनो वाली, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, शायराना बातें नहीं कर पा रही मैं सुबह सुबह। आइए वेलकम करते हैं रमशा खान। हम वैसे नहीं मिल सकते जैसे हम कैसा है नसीबा में मिले थे, जैसे हम बाकी दूसरी प्रमोशन पे मिले थे, हम अब सिर्फ ऐसे ही मिल सकते हैं। और क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं? अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। दिन ब दिन लंबी होती जा रही हो, कि तुम्हारी अभी भी वो उम्र है जिसमें हाइट बढ़ सके? नहीं, आई डोंट नो, जब तुमसे मिलती हूँ मुझे तुम ज्यादा लंबी लगती हो। नहीं, कुछ नहीं, मैं हील्स मैंने पहने हुए, हील्स मैं बहुत कम पहने। तुम खुद से पहन के आई हो हमेशा ज्यादा? जी, बहुत कम। मैं वही कह रही हूँ, तो उसका तो कद लंबा। आज मैंने सोचा कि आपकी ईद के शो पे मैं नहीं आ सकी, तो मैंने सोचा कि मैं प्रॉपरली ड्रेस अप हो जाऊं। और तुम्हारा आज सीरियल शुरू हो रहा है, तुम इतनी मेहनत की होती किसी सीरियल के लिए, और वो जब उसका पहला दिन होता है एक्साइटमेंट होती है बहुत इस सीरियल के, तो स्पेशली मुझे बहुत एक अजीब सी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट भी है। और इतना प्यारा उसका प्रोमो बना हुआ है, तुम अच्छी भी बहुत लग रही हो। जब रमशा ने जो है पहले पहले ड्रामा शुरू किया होगा तो उसको तो शायद ना मेकअप और बाकी चीजों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो मैंने अपना मेकअप और अपने बाल खुद मैंने बनाए हैं। अभी भी? जी जी। जबरदस्त, सीखना चाहिए ना, मतलब खुद ये तो सीख गई तुम? मेरी बहन ने मुझे हेल्प किया, मेरी बहन बहुत उसमें है, आप मिली हैं? हाँ हाँ, मैं शो पे भी आई जी जी, तो उसने मुझे हेल्प किया, लेकिन मैं अब सीख रही हूँ पार्टी मेकअप करना, क्योंकि पता है जरूरत है ना, आप जितना अच्छे अपने नकुश को जानते हो कि मैंने आंखें कैसी, तुम्हारी क्या कहते हैं, कैसी आंखें, क्या कहते हैं, शरबती आंखें, शरबती क्या, मुझे नहीं पता, बादामी आंखें, क्या कहते हैं, कोई कोई अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो? मेरी आंखें मुझे वो नहीं पता, बस ये पता है कि ज्यादा ग्लिटर लगा दो तो फिर चाइनीज हो जाती है, और अगर हल्का सा ब्राउन करो तो बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा जी, मेरा फेस डिफिकल्ट है, जो मुझे लगता है ज्यादा मेकअप मेरे फेस पे सूट नहीं करता। अच्छा जी, तो तुम इसलिए बहुत, मैंने तुम्हारी वो देख रही ट्यूटोरियल, एक तुम बड़ी खूबसूरत सा मेकअप कर रही थी, वो वाली हेलो फ्लॉलेस वाली बेस। जी मैं भी वही इस्तेमाल करती हूँ आम पार्टी मेकअप के लिए, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत वो लगा रही थी तुम। और तुमने बहुत सॉफ्ट सा आई मेकअप किया, मैंने इश्क का ट्यूटोरियल किया था एक्चुअली, मैंने वो ब्लश से अपने पिंक पिंक लगाया था पूरा। और बेनेटिन इस्तेमाल की थी क्या तुमने? नहीं नहीं, स्टेनर लिप्स पे क्या लगाया था? वो एक्चुअली मिनीसो का है, आई डोंट थिंक। अब मैं जरा ढूंढ के वो निकाले जरा रमशा का, रमशा तुम मुझे ब्रेक के दौरान बताना, मैं ढूंढ के दिखाऊंगी ट्यूटोरियल, इतना जबरदस्त है, आपको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूटोरियल्स करती रहती हो इस तरह? मैंने एक दो दफा किया, फिर उसके बाद मैंने कहा अब इतनी प्रैक्टिस है नहीं, अब और क्या लुक बनाऊं मैं, अब कल रात को मैंने ये सोचा कि मैं इस किस्म का बनाऊंगी, तो अभी देखें, दिल तो चाहता है कभी कभी स्किन केयर वाला ट्यूटोरियल बनाऊंगी मैं, है ना? बहुत तुम्हारी स्किन अच्छी है, तो लोग सीखना चाहते हैं कि भाई क्या लगाती है रमशा स्किन पे कि वो ग्लो करती, पानी ज्यादा, पानी और सोने से पहले बस मैं क्रीम लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइजर। मैं तो यही कर रही हूँ। नहीं नहीं, पानी से बहुत फर्क पड़ता है, नो डाउट, लाइक मैं भी जब पानी ज्यादा पीती हूँ तो स्किन पे आ रहा होता है, लेकिन पता है कोरोना की वजह से जो आप विटामिन ये सब, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, मैंने तो बहुत खाया। अच्छा तुम समझदार हो, तुम्हें इस ग्रीन कलर के साथ तुमने जो शेड्स दिए हैं आंखों पे वो बहुत ही प्यारे से पीची पीची शेड्स हैं, वरना हमारी जो आम लड़कियां हैं ना, जो उनपे कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आता है, जरूरी थोड़ी है ग्रीन कपड़े पहने तो ग्रीन आई शेडो लगा दे। मैं सोच मतलब रही थी वैसे, शुक्र है नहीं ना। मेरी बहन ने कहा नहीं, गोल्ड टाइप का कुछ रखो, बिकॉज ये इयररिंग साथ मैच करे, मुझे नहीं पता, मेरी बहन ही मुझे एक लड़की बनना सिखाती है। देखो ना, तो मैं गलती करने वाली थी ना, लड़कियां करती हैं, और हरा मेकअप पता नहीं किसके साथ आप ब्राउन के साथ ब्लेंड करें तो अच्छा लगेगा, हरा मेकअप डिफिकल्ट है, मेकअप आर्टिस्ट करे ना मतलब खुद करना बड़ा मुश्किल, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट है, पर एक्सपेरिमेंट करके लाइव शो पे आ जाए कुछ। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, थैंक यू। मैंने कहा मेकअप की बातें पहले कर लूं, वरना जो हीरो है उनको बुलाऊंगी ना,
तो कहेंगे ये क्या आप जनाना बातें करी हैं सुबह सुबह, मैं क्या करूँ यार।